और लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती ने कहा है कि कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, मैं कभी भी चुनकर संसद जा सकती हूं, मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी चुनकर संसद जा सकती हूं और कई बार इस तरह के मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया। आपको बता दें, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी बीएसपी। मान हालात को देखकर अगर चुनाव बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की सांसद बन सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और अब आपको सुनवाते हैं वंशवाद के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। लेकिन आज ये कोई नई बात नहीं है, वो लोकप्रिय जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और फिर भारी बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी की उपस्थिति में जिस तरह की शर्मनाक टिप्पणियां कांग्रेस के नेता करते हैं, जैसा आज भी हुआ है, एक साहब है वो कह रहे हैं संघ भी परिवारवाद है, जो समय के अनुसार दल बदलकर संसद में आते हैं वो संघ की विचारधारा पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो देश को समर्पित है, भारत माता के प्रति ईमानदारी से एक एक स्वयंसेवक संघर्ष करता है ताकि हिंदुस्तान बड़ी ताकत बने, ऐसे सभी लोगों को देश जवाब देने को बैठा हुआ है। लेकिन जहां हम इनकी भर्त्सना करते हैं वहीं एक बात अवश्य कहेंगे कि शायद उनकी हताशा स्पष्ट आ रही है रोज, कि शायद हार उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। वेल, व्हेन द पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज कमेंटेड अबाउट डायनेस्टी, ही सेज डायनेस्टी वर्सेस डूअर, डायनेस्टी वर्सेस परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इज इट नॉट ए फैक्ट इन कांग्रेस पार्टी नो वन कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और द लीडर अनलेस इज फ्रॉम द फैमिली, एंड नाउ 1, 2, 3 देयर इज अ क्यू फ्रॉम द फैमिली ओनली। When Narendra Modi said that, he was invoking the tradition of Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Azad, Subhash Chandra Bose, all who have been also the president of Congress party. Where is that Congress now gone? Reduced to a family enterprise. In that context, he said. He made a very profound political statement, but in reply thereof, the kind of abuses showered over him that he has no wunsch of his own. What do they mean by this? I wish to say them, tell them, the entire 130 crore of Indian people. तो एक परिवार में सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी, ये कहना